नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में बड़ी राहत, बसों का आवागमन होगा, 8 बजे तक खुलेगी दुकानें, रविवार को पूर्ण लॉकडाउन। झारखंड सरकार ने अनलॉक 5 में राज्य की जनता को बड़ी राहत दी है। अब सभी जिलों में दुकानें 8 बजे तक रात तक खुले रहेगी। एक जिले से दूसरे जिले तक बसों का आवागमन होगा। बाहर से यानी दूसरे राज्यों से आने वालों को 7 दिन तक क्वारंटाइन में रहने की अब जरूरत नहीं होगी। रेस्टोरेंट एवं बार 50% सीट के साथ खुलेंगे। अब जो है एक जगह पर 50 लोगों के इकट्ठा होने की छूट मिली है। सिनेमा हॉल एवं मल्टीप्लेक्स में सीटों की क्षमता से आधे लोगों को बैठाने की छूट दी गई है। हालांकि रविवार को बाजार बंद ही रहेगा। बताते हैं कि राज्य के 11 जिलों में कोरोना वायरस के संक्रमण के 25 से भी कम सक्रिय केस रह गए। पाकुड़ जिले में अब एक भी केस नहीं है। अधिकांश जिलों में संक्रमण दर 1% से भी कम है। इसके बाद छूट देने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए साप्ताहिक लॉकडाउन के फॉर्मूले को सफल पाया है। राज्यपाल ने कोरोना की तीसरी लहर से बचाव की तैयारियों की जानकारी ली। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव तथा इससे निपटने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की जानकारी ली है। उन्होंने बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के निदेशक रविशंकर शुक्ला और अन्य अधिकारियों के साथ यह जानकारी ली। ये पदाधिकारी राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे थे। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव ने राज्यपाल को राज्य में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण हेतु किए जा रहे व्यापक प्रयासों की जानकारी दी। खबर है झारखंड के हजारीबाग से। पीएम तक पहुंची हजारीबाग के किसानों की उपलब्धि, अब फुलेश्वर और अशोक से बात करेंगे पीएम मोदी। किसान उत्पादक संगठन के जरिए हजारीबाग के किसानों की सफलता की कहानी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई है। 1 जुलाई को स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारीबाग के किसान अशोक मेहता और फुलेश्वर महतो से बात करेंगे। इसकी सूचना हजारीबाग बाजार समिति तक पहुँच गयी है। जानकारी के मुताबिक देश भर में 4 किसानों से प्रधानमंत्री 1 जुलाई को बात करेंगे। इनमें 2 किसान झारखंड के हजारीबाग जिले के हैं, वहीं 2 अन्य किसानों में 1 महाराष्ट्र और 1 हिमाचल प्रदेश के हैं। बताते चले कि ई नाम पोर्टल के माध्यम से किसानों की पैदावार की खरीद बिक्री के डिजिटल भुगतान के मामले में हजारीबाग देश में अव्वल रहा। इसमें हजारीबाग बाजार समिति का विशेष योगदान है। दूसरे राज्यों से झारखंड आ रहे यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। घर जाने से पहले आपको करना पड़ सकता है यह काम। दूसरे राज्यों से ट्रेन या प्लेन से झारखंड आने वाले लोगों की रिपोर्टिंग अनिवार्य हो सकती है। ऐसे यात्रियों को झारखंड के स्टेशनों या एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जिला प्रशासन द्वारा तैनात पदाधिकारियों के समक्ष रिपोर्टिंग करनी होगी, ताकि उनकी जांच और सर्विलांस हो सके। झारखंड पहुंचने के 72 घंटे भीतर आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट भी देनी पड़ सकती है। राज्य सरकार दूसरे कई राज्यों में डेल्टा प्लस के मामले मिलने के कारण इसे अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। खबर है झारखंड के गुमला से। गुमला में रूठा मानसून, 1 सप्ताह से नहीं हुई है बारिश, अब किसानों को बिजड़ा बचाने की सताने लगी चिंता। झारखंड के गुमला जिले में मानसून रुक गया है, 1 सप्ताह से बारिश नहीं हो रही है। बारिश नहीं होने से किसान चिंतित है। सबसे ज्यादा चिंता छिट्टा विधि से धान की खेती कर चुके एवं धान का बिजड़ा लगाने वाले किसान हैं। बारिश नहीं होने के कारण धान के फसल एवं बिजड़ा पर असर पड़ रहा है। फसल एवं बिजड़ा को जिंदा रखने के लिए किसान कुआं, डोबा, तालाब और नदी के पानी का सहारा ले रहे हैं। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। पानी की वजह से गंगा पुल का काम बंद। साहिबगंज में पानी आ जाने की वजह से गंगा नदी पर चल रहे पुल निर्माण का काम बंद हो गया है। अब नवंबर से ही काम शुरू होने की उम्मीद है। दिलीप बिल्डर इसका निर्माण करा रही है। इस बीच यहां काम बंद होने के बाद यहां के कर्मियों का स्थानांतरण दूसरे साइटों पर कर दिया गया है। इसी क्रम में वेतन न मिलने से नाराज कुछ कर्मियों ने साइट पर भी हंगामा किया। आप सबको बता देना चाहता हूं कि पिछले साल सितंबर में पुल निर्माण का काम शुरू हुआ था। 2024 तक में पुल का निर्माण पूरा करना है। इसके लिए साहिबगंज और मनिहारी दोनों तरफ से पुल निर्माण का काम चल रहा था। कुल 46 पिलर देना है, जिसमें से 20 पिलर की नींव डाली जा चुकी है। शेष की नींव अब नवंबर में डाले जाने की उम्मीद है। कंपनी के वरीय प्रबंधक भानु प्रताप ने बताया कि यास चक्रवात की वजह से काम प्रभावित हुआ, कई जगह सड़क कट गई, ठीक कर काम शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन पुनः बारिश हो गई और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। इस वजह से काम बंद कर दिया गया है।
अब अक्टूबर नवंबर में ही काम शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि साहिबगंज और मनिहारी दोनों ओर करीब 1250 कर्मचारी काम कर रहे थे, सभी को फिलहाल दूसरी साइट पर भेज दिया गया है। खबर है झारखंड के गोड्डा से। कोरोना की रोकथाम को लेकर मास्क और हेलमेट चेकिंग अभियान। गोड्डा जिला में कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए शहर के सीमा पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जहां मास्क चेकिंग अभियान के साथ ही दोपहिया वाहनों की जांच भी हो रही है। जो नियम का उल्लंघन कर वाहन चला रहे हैं, ऐसे लोगों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। ज्यादातर लोग बिना हेलमेट पहने वाहन चलाते पाए जा रहे हैं। शहर में यातायात नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना 1000 रुपये कर दिया गया है। शहर के कारगिल चौक, नगर थाना के समीप रोतरा टीओपी, मिशन चौक और सरकंडा चौक पर मास्क चेकिंग अभियान के साथ ही परिवहन विभाग की टीम दंडा अधिकारियों की मौजूदगी में जांच कर रही है। जिला प्रशासन नियम के उल्लंघन को लेकर सख्त है, लेकिन इसके बाद भी लोग नियम से बाज नहीं आ रहे हैं। तीसरी लहर से संभावित खतरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का प्रयास है कि लोग नियम का पालन करें और मास्क पहने और शारीरिक दूरी का पालन करें। कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच राहत की खबर। झारखंड को मिला 58,000 से अधिक का डोज। गुरुवार को यानी आज फिर शुरू होगा टीकाकरण। झारखंड में कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच बुधवार को राहत की खबर आई। राज्य सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार ने 58,590 टीका का डोज भेज दिया है। कोरोना वैक्सीन के आने से अब गुरुवार यानी आज से राज्य के सभी जिलों में टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। वहीं आगामी 2 जुलाई 2021 को राज्य में कोविशील्ड के 6,00,000 डोज आने की संभावना है। खबर है झारखंड के बोकारो से। वेज रिवीजन की मांग को लेकर बोकारो स्टील प्लांट में हड़ताल, करोड़ों का नुकसान। वेज रिवीजन नहीं होने पर आक्रोशित कामगार ने बुधवार को बोकारो स्टील प्लांट में बुधवार को पूर्ण रूप से हड़ताल कर दिया। इस दौरान न कामगारों ने काम किया और न ही ठेकाकर्मियों ने ही कामकाज संभाला। बोकारो स्टील प्लांट के अंदर और बाहर मजदूरों का हड़ताल असरदार रहा। प्लांट में कामगारों के इस हड़ताल से करोड़ों का नुकसान का अनुमान है। झारखंड के हुल दिवस पर अमर शहीद सिद्धो कानू को किया गया नमन। आदिवासियों ने अंग्रेजों के छुड़ाए थे छक्के। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को हुल दिवस के मौके पर अमर शहीद सिद्धो कानू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। पूरे राज्य में बुधवार को हुल दिवस मनाया गया। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आदिवासियों के विद्रोह, संघर्ष और उनके बलिदान को याद करने का बुधवार को विशेष दिन रहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में राज्यवासियों से कहा कि झारखंड वीरों और शहीदों की धरती है। कहा कि 1855 में सिद्धो कानू के नेतृत्व में आदिवासियों ने अदम्य वीरता और साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। अपने हक, अधिकार और देश की खातिर इन वीरों ने अपनी कुर्बानी दे दी थी। संताल विद्रोह के ऐसे नायकों की शहादत हम सभी को सदैव प्रेरित करेगा। इन अमर शहीदों के आदर्शों के अनुरूप झारखंड को बनाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। संताल विद्रोह के अमर शहीदों को सत सत नमन। झारखंड में जल्द होगा 20 सूत्री और निगरानी कमेटियों का गठन। राज्य में जिला और प्रखंड स्तर पर 20 सूत्री और निगरानी कमेटियों का गठन जल्द होगा। इस संबंध में मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्री आलमगीर आलम और रामेश्वर उरांव ने मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने 20 सूत्री और निगरानी कमेटी गठित करने के मसले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ विमर्श किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की ओर से इस संबंध में अनुशंसा के लिए एक कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी वरीय नेताओं की कमेटी गठित कर इस संबंध में अनुशंसा की जाएगी। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में अगले 4 दिनों तक मौसम में नहीं आएगा खास बदलाव। राज्य भर में छाए रहेंगे बादल, हल्के दर्ज की होगी बारिश। झारखंड में पूरे हफ्ते आसमान में बादल छाए रहने के आसार हैं। गरज के साथ हल्की और मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। इस सप्ताह मौसम में ज़्यादा बदलाव के आसार नहीं है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 4 जुलाई तक राज्य भर में तेज गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि पिछले 24 घंटे में शहर का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में आर्द्रता की मात्रा अधिकतम 76% और न्यूनतम 68% दर्ज किया गया। आप सबको फिर से बता देना चाहता हूं कि 24 घंटे के दौरान झारखंड में मानसून कमजोर रहा। राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिकतम 22.6 मिलीमीटर साहिबगंज के राजमहल में दर्ज किया गया, वहीं सबसे अधिकतम तापमान भी साहिबगंज का ही 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान रांची का 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री की पीएम मोदी से मांग, कोरोना वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को दे भारत रत्न। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को भारत रत्न देने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र में लिखा है कि देश कोरोना के संकट से गुजर रहा है, ऐसे में देश के प्रतिभावान वैज्ञानिकों ने अल्प समय में स्वदेशी वैक्सीन बनाकर देशवासियों के प्राण बचाने का उत्कृष्ट कार्य किया है। इसके लिए उन्हें आगामी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत रत्न से सुशोभित करने की मांग करता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की दुमका जिला समिति भंग अध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह हटाए गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की दुमका जिला समिति भंग कर दी गई है। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह जानकारी दी। कार्यालय के आदेश के मुताबिक मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष ने दुमका जिला समिति के अध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह का पूर्व में दिया गया इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया है। केंद्रीय समिति ने हिदायत दी है कि सुभाष कुमार सिंह द्वारा दुमका जिला समिति के अध्यक्ष पद का प्रयोग करना अनुचित एवं अनुशासनहीनता है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अपने नाम के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की दुमका जिला समिति के अध्यक्ष पद का उल्लेख नहीं करें। अंशदायी पेंशन योजना में अब राज्य सरकार देगी 14% अंशदान। 1 जुलाई 2021 यानी आज से लागू होगी नई व्यवस्था। झारखंड सरकार अब अंशदायी पेंशन योजना में अपने कर्मचारियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 14% अंशदान देगी। यह योजना 1 जुलाई यानी आज 2021 से लागू होगी। अभी सरकार और कर्मचारियों का अंशदान 10-10% है। यह फैसला मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक में कुल 8 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। हर घर नल से जल योजना के लिए झारखंड को मिलेंगे 2479 करोड़। 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य। हर घर में नल से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए केंद्र सरकार ने झारखंड को मिलने वाले राशि में 4 गुना की वृद्धि की है। जल जीवन मिशन के तहत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान राशि को बढ़ाकर 2479 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पिछले वर्ष केंद्रीय अनुदान की यह राशि 572 करोड़ रुपए थी। केंद्र जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने राज्य को अनुदान में 4 गुना वृद्धि को मंजूरी प्रदान करते हुए झारखंड को भरोसा दिया है कि प्रत्येक ग्रामीण घर में 2024 तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए राज्य को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। खबर है झारखंड के गुमला से। सगाई से लौट रहे लोगों के साथ हादसा। गुमला में अनियंत्रित टेम्पो पलटा, 1 की मौत, 4 लोग जख्मी। घघरा थाना क्षेत्र के पुटो गांव स्थित खाक्सी ढलान के पास मंगलवार की देर शाम टेम्पो के पलटने से एक सवार की मौत हो गई, जबकि 4 लोग जख्मी हो गए। दरअसल आप सबको बता देना चाहता हूं कि 12 लोग सगाई से वापस घर आ रहे थे और इसी बीच टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना के बाद टेम्पो चालक मौके से फरार हो गए। घायलों को ग्रामीणों के सहयोग से 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाघरा लाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच हादसे की जानकारी ली। खबर है झारखंड के धनबाद से। धनबाद में NH2 पर सड़क दुर्घटना। सवारियों से भरी तेज रफ्तार बस ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर, ड्राइवर समेत 19 जख्मी, 4 की स्थिति गंभीर। राजगंज थाना क्षेत्र में सवारियों से भरी बस बुधवार को सुबह 3 बजे के करीब NH2 पर डोमनपुर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बस ड्राइवर समेत 19 लोग जख्मी हो गए, इनमें से 4 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हादसे की वजह बस के ड्राइवर को नींद की झपकी आना माना जा रहा है। इससे तेज रफ्तार बस ने अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। घटना के बाद स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।